Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. Today, we will discuss about causative verb of English. English के तीन causative verb जो बहुत important है, उनका हम आज discussion करेंगे. उसके अलावा दो और verb बताऊंगा, जो कि causative verb नहीं है, but कहीं ना कहीं उनका construction, sentence construction जो है, बिल्कुल similar है और हम उनको भी use कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, but in different manner. तीन verb की बात करेंगे हम आज. First verb है have. सेकेंड वर्ब है गेट एंड थर्ड वर्ब है मेक. एक एक करके इनका स्ट्रक्चर देखते हैं और तीनों का कहीं ना कहीं पर सिमिलर मैनर में यूज होता है, यानी कि एक ही तरह से यूज कर सकते हैं आप. आप मेक को हटाकर गेट लगा दीजिए और गेट को हटाकर आप हैव लगा दीजिए, या हैव को हटाकर आप मेक लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ा सा स्मार्टली आपको यूज़ करना पड़ेगा. तो सपोज करिए कि किसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है और किसी सेंटेंस को अगर आपको यूज़ करना है और उस टाइम पर अगर आपको गेट याद नहीं आ रहा है तो आप मेक का यूज़ कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर आपको मेक याद नहीं आ रहा तो आप हैव का यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर देखेंगे, हर एक के टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे. मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलिए. डेफिनेटली ये एक फार्मूला है, उस फार्मूला में आप सही चीज़ सही जगह पर रख दीजिए एंड यू विल गेट राइट थिंग टू स्पीक. आपको सही चीज़ मिल जाएगी, उसका आप यूज़ करिए. फिर सबसे पहले हम हैव की बात करते हैं. तो हैव के लिए हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए, जैसा आपको पता है, सेंटेंस का फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस हैव. हैव के लिए कोई भी टेंस हो सकता है, यानी कि एनी टेंस. हैव का एनी टेंस यूज़ करेंगे. अब आप ये बताएंगे कि सर हैव का दूसरा टेंस कौन सा होता है. तो हैव का यूजुअली प्रेजेंट जो होता है वो हैज एंड हैव होता है. पास्ट जो होता है वो हैड होता है. एंड फ्यूचर जो होता है वो विल और शैल हैव होता है. तो इनमें से हमें कोई सा भी यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं हैड का यूज़ करेंगे, फ्यूचर की बात करें तो विल हैव एंड शैल हैव का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ को बताने के लिए. हैज सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड विल और विल हैव और शैल हैव, यानी कि कोई सा भी टेंस आप हैव की कोई सी भी फॉर्म यानी किसी भी टेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूजुअली ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई पर्सन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पर कोई पर्सन का नाम आएगा. प्लस उसके बाद आएगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है. इट्स वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही इजी है. और इसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड्स आ रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं. सेंटेंस को बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल पार्ट में समझिए कि आपको क्या करना है. सब्जेक्ट यूज़ करना है, सपोज आई हैव. ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पर्सन ही आना चाहिए. पर्सन आना चाहिए यानी कि इन द सेंस ऑफ प्रोनाउन भी आ सकता है और नाउन भी आ सकता है. जैसे मैंने बोला आई हैव हिम और बेस फॉर्म, तो वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि जैसे कि गेट हो गया, या फिर आप ले लें कि बिकम हो गया या कम हो गया, ठीक है, प्ले हो गया, ऐसा कुछ भी जो बेस फॉर्म है आप वो यूज़ करिए. इसको लेकर आप एक सेंटेंस बनाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहा है बल्कि वो करवा रहा है. क्या हो रहा है, वो करवा रहा है. जैसे कि हम क्या करते हैं रेगुलरली, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने मेक का यूज़ बताया था, मेक और लेट का जब यूज़ बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेक का यूज़ करते हुए हम किसी काम को करवाने के लिए बोल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि आई वॉश माई क्लॉथ, ये तो मैंने किया है. पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कैसे करके हम कर सकते हैं कि मैंने कपड़े धुलवाए, ठीक है, मैंने कपड़े धुलवाए. अभी तो मैंने बोला कि मैंने कपड़े धोए, और अगर मुझे बोलना है कि मुझे कपड़े धुलवाना है तो बात अलग हो गई. मैंने बोला मैंने खाना पकाया, दैट इज़ ओके. बट अगर मुझे ये बोलना है कि मैंने खाना बनवाया पकवाया, दैट इज़ अनदर थिंग. तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट से हम काम करवा रहे हैं, दूसरे पर्सन से हम काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, थिंग का यूज़ नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हम जो है वो किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के, एज एन ऑब्जेक्ट हम किसी न किसी
पर्सन का ही यूज करेंगे, यहां पर किसी थिंग का यूज नहीं करेंगे। थिंग के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस हम यहां पर देख लेते हैं, उन सेंटेंसेस का जैसे आप यूज करेंगे, उनका एग्जांपल देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चुटकी बजाते ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे किसी एक को ले लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि स्नेहा हैड हर सिस्टर। अब यहां पर हर सिस्टर, देखिए बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। सब्जेक्ट हो गया स्नेहा, हैव का पास्ट फॉर्म यूज किया हैड, और ऑब्जेक्ट यूजुअली क्या हो गया, पर्सन हो गया, तो हर सिस्टर। स्नेहा है हैड हर सिस्टर कुक फूड। अब यहां पर हमने बेस फॉर्म यूज करी है, स्नेहा हैड हर सिस्टर कुक फूड, यानी कि स्नेहा खाना नहीं बनाती है बल्कि वो अपनी बहन से खाना बनवाती है। यहां पर और भी कर सकते हैं, हर सिस्टर वॉश क्लॉथ, या फिर हम बोल सकते हैं हर सिस्टर कंप्लीट हर वर्क। यानी कि स्नेहा क्या करती है, अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती है। यहां पर हर मतलब स्नेहा है, स्नेहा अपना काम अपनी सिस्टर से करवाती है। इन द सेम मैनर यू कैन यूज लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, और भी कई सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स, तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए, और इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको दूसरी दो अलग वर्ब्स है गेट और मेक, उनका भी यूज बता दूंगा ताकि शॉर्ट में आपको क्लियर समझ में आ जाए। स्नेहा ऑलवेज हैज हर सिस्टर क्लीन द रूम, यहां पर मतलब ये हुआ कि स्नेहा जो है वो हमेशा अपनी बहन से ही रूम को क्लीन करवाती है, खुद नहीं करती है, क्लीन करवाती है। यहां पर दूसरा हुआ, शी ऑलवेज हैड हर मदर डू दिस वर्क। अब यहां पर पास्ट हुआ कि यहां पर अभी नहीं करती है लेकिन पहले वो अपनी माँ से ही ये सारा काम करवाती थी, दिस वर्क, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्क है वो काम अपनी माँ से ही वो करवाती थी। तो यहां पर भी देखिए बेस फॉर्म आ रहा है क्लीन, यहां पर भी बेस फॉर्म आ रहा है डू, यहां पर आ रहा है मेरी विल हैव, यहां पर हमने फ्यूचर को यूज किया, मेरी विल हैव हर ब्रदर प्रिपेयर हर होमवर्क, तो यहां पर भी प्रिपेयर बेस फॉर्म आ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक में हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर हम जैसे हैज यूज किया प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर का यूज किया। अब यहां पर आप सब्जेक्ट्स को बदल दीजिए और आपके पास कई सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। सपोज करिए आई ऑलवेज have my sister clean the room, या फिर ये बोलिए they always have their brother clean the room, यहां पर इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी जो सब्जेक्ट है क्या क्या चेंज हो सकता है, जैसे ये सब्जेक्ट आपने चेंज किया और इसी के अकॉर्डिंग फिर यहां पर ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। अगर बाकी का सेंटेंस सेम भी रहेगा तब भी आप उसको अपने इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरह से सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन में। अब दूसरी वर्ब की बात कर लेते हैं हम, गेट। गेट का मैंने बोला था कि हैव के बाद गेट है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे हमने हैव का देखा था। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद गेट, यानी कि गेट का क्या आएगा, गेट का एनी टेंस, यहां पर क्या आएगा, एनी टेंस। अब एनी टेंस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे हैज का, हैव का हमने देखा हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, वैसे ही गेट का भी क्या हो जाएगा, गेट का गेट्स भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है। तो हम इसका प्रेजेंट एज वेल एज विल गेट शैल गेट भी हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट में भी यूज करेंगे, पास्ट में भी यूज करेंगे और फ्यूचर में भी यूज करेंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और सिमिलरली उसी तरह से ऑब्जेक्ट आएगा केवल पर्सन, केवल पर्सन नॉट थिंग्स। फिर प्लस हम यूज करेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए इसके बाद अगर कुछ होगा तो वो आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप यहां पर तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, उसी तरह से यूज करेंगे जिस तरह से हमने इसको हैव के साथ यूज किया था, उसी तरह से अब हम इनको गेट के साथ यूज करने वाले हैं। बिल्कुल स्मार्टली वर्क करेंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल शानदार तरीके से सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक क्लियर होती जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू, आपको ढंग से दिखे, शानदार दिखे और आप शानदार तरीके से समझ भी आए। ज़रा करना शुरू करिए, आप हैव को उसके टेंस के अकॉर्डिंग हटा कर और रिक्वायर्ड टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या यूज़ कर दीजिए, गेट।
यहां पर मैंने हैज यूज किया, हैज मतलब यहां पर स्नेहा है, सिंगुलर पर्सन है, तो इस हैज को मैं क्या कर दूंगा, गेट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसको हो जाएगा गेट्स, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। अब गेट्स यूज करूं या यहां पर हैज यूज करूं, मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम ही होगा। मैंने बोला स्नेहा ऑलवेज गेट्स हर सिस्टर क्लीन द रूम, इसका मतलब ये हुआ कि स्नेहा हमेशा ही अपनी बहन से रूम क्लीन करवाती है। यहां पर होगा शी ऑलवेज हैड हर मदर, तो यहां पर हेड को जो है वो क्या कर देंगे हम, गेट का सेकंड फॉर्म कर देंगे यानी कि गॉट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, शी ऑलवेज गॉट हर मदर डू दिस वर्क। लेकिन यहां पर बेस फॉर्म ही आएगा, ऐसा नहीं हुआ कि यहां प्रेजेंट से पास्ट हो गया तो यहां पर ये फॉर्म बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये इसका स्ट्रक्चर है और यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। यहां पर विल हैव है तो यहां पर विल हैव को हैव को चेंज करके हम मैरी विल गेट, तो यहां पर गेट आ जाएगा हर ब्रदर प्रिपेयर हर होमवर्क, बिल्कुल सेम और उसी तरह से यूज करना है जिस तरह से आपने हैव का यूज किया है। सेम मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने मेक की बात करी थी तो मेक एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन गेट एंड हैव। अगर इस तरह के पैटर्न का आप यूज कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू यूज मेक एट द प्लेस ऑफ इंस्टीड ऑफ यूजिंग गेट और हैज और हैव। हैव का और गेट का यूज ना करते हुए अगर आप मेक का करेंगे तो इट विल बी मोर इंप्रेसिव, ज्यादा इंप्रेसिव, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। याद रखिएगा सब्जेक्ट वो का वो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस मेक, यहां पर मेक ही रहेगा और इसका भी कोई भी फॉर्म आ सकता है यानी कि एनी टेंस आ सकता है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी क्या रहेगा, पर्सन ही रहेगा। स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्सन ही रहेगा, पर्सन के अलावा और कोई चीज यहां पर रहने वाली नहीं है। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सारी चीजें हैं, करना सिर्फ यह है कि यहां पर जैसे गेट्स यूज किया है तो यहां पर इसकी जगह आप मेक्स भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग बिल्कुल सेम होगा। स्नेहा ऑलवेज मेक्स हर सिस्टर क्लीन द रूम, इसका मतलब यह हुआ कि स्नेहा हमेशा ही अपनी बहन से रूम क्लीन करवाती है। अगर मैं ये बोलूं स्नेहा ऑलवेज गेट्स हर सिस्टर क्लीन द रूम, इसका भी सेम मीनिंग हुआ। अगर मैं बोलूं स्नेहा ऑलवेज हैज हर सिस्टर क्लीन द रूम, मीन्स यू आर सेइंग द सेम थिंग हियर। इफ यू से शी ऑलवेज गॉट, तब भी वो आएगा हेड, तब भी वो आएगा। अब इसका करेंगे मेड, शी ऑलवेज मेड हर मदर डू दिस वर्क, वो हमेशा अपनी माँ से ये काम करवाती थी, यानी कि अभी तो प्रेजेंट है लेकिन हमने ये पास्ट में यूज किया। विल गेट, तो गेट की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे, विल मेक, मेरी विल मेक हर ब्रदर प्रिपेयर हर होमवर्क, यानी कि मेरी आने वाले फ्यूचर में अपने भाई से ही सारे काम करवाएगी, यानी कि जो भी अपना होमवर्क है वो किससे करवाएगी, अपने भाई से ही करवाने वाली है। तो देयर इज नो डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर, देयर इज मींस हम ये बोले कि सिर्फ और सिर्फ मेक का यूज हम ये कर सकते हैं कि मेक जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, मींस ज्यादा हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को ज्यादा जोर से बोलना, या हम बोल सकते हैं कि एम्फेसिस करना, एम्फेसाइज करना, तो एम्फेसाइज ज्यादा हो जाएगा। गेट का यूज और हैव का यूज आप बिल्कुल करिए, नो डाउट, कोई गलत नहीं होगा इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है वो गलत है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल इसका कंटिन्यू यूज करिए। इसके अलावा इन सभी के कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये हम देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें क्लीन और क्रिस्टल क्लियर मीन्स समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर इनके। सी स्टूडेंट्स, हम इसका हैव का सेकंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। थोड़ा सा चेंज है और आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस एक माइनर सा चेंज है। वैसे ही सब्जेक्ट रहेगा हैव, एनी टेंस यू कैन यूज हैव, हैज, हैड, विल हैव और शैल हैव यू कैन यूज। ऑब्जेक्ट पहले देखा था हमने, पर्संस थे, अब हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, थिंग यूज करना है, यानी कि अब यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज ए थिंग इंस्टीड ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन की जगह हमें क्या यूज करना है, एक थिंग का यूज करना है। देन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, वी हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब हम यूज करेंगे उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है, यू कैन से राइट। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला ही हैड हिज कार washed, sorry, past participle means we have to use third form of the verb. Third form हम use करेंगे, he had
His car washed. देखिए दोनों में अंतर क्या है. पहले वाले में जहां पर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिया था, हमने पर्सन लिया था, तो उसका मतलब हम ये कह रहे थे कि मैं अपना काम किससे करवाता हूं. ठीक है, किससे करवाता हूं. सपोज दैट वहां पर हमने यूज किया कि ही हैड हर ब्रदर वॉश्ड हिज ब्रदर वॉश्ड हिज कार. तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी कार अपने भाई से धुलवाता है. ठीक है, धुलवाता था. लेकिन अभी यहां पर के सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहां पर आपको बताना है कि काम क्या डन करवा लिया है, किससे करवाया है ये नहीं, कौन सा काम आपने करवा लिया है यहां पर हमें यह बताना है. तो ऐसे सेंटेंसेस कई बार होते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, यूजुअली स्पोकन में हम जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करवा लिया है, ठीक है मैंने ये काम करवा लिया है, वो करवा लिया, पर किससे करवाया जब ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से यूज कर रहे हैं हम. ये हम बोल सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस वाले टाइप के सेंटेंस है. ही हैड हिज कार वॉश्ड, उसने अपनी कार धुलवा ली. कार धुलवाना इंपॉर्टेंट है, किसका नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वॉशिंग सेंटर्स होते हैं, आप कहां पर जाके धुलवाएंगे उनका नाम तो बताना नहीं है. दे हैव देयर होमवर्क डन, उन्होंने अपना होमवर्क करवा लिया. किससे करवाया, भाई से, बहन से, पेरेंट से? नो, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ हु इज डूइंग द वर्क, कौन काम कर रहा है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. काम क्या इंपॉर्टेंट है वो अगर डन हो रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. शी ऑलवेज हैज हर क्लास वर्क डन, उसका काम हमेशा कंप्लीट वो करवा लेती है. अब किससे करवाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करवा लेती है. एक स्ट्रक्चर देखा कि वो किससे करवाती है, और दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि काम करवाती है पर किससे करवाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आई ऑलवेज हैव माई क्लॉथ वॉश्ड, मैं हमेशा अपने कपड़े धुलवा लेता हूं. ठीक है, या धुलवाता था या धुलवा लूंगा, जैसा भी आप टेंस यूज करें. लेकिन यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है कि मैं किससे धुलवाता हूं भैया. ठीक है, मैं लॉन्ड्री पर देता हूं या फिर अपने ब्रदर सिस्टर से, मदर से, किससे धुलवाता हूं यहां पर नहीं बोला है मैंने. जॉन विल हैव हिज टी प्रिपेयर्ड, जॉन अपनी चाय बनवा लेगा. ठीक है, बनवा लेगा यानी कि किससे बनवाएगा इससे कोई मैटर नहीं करता है. अब सेम हमें क्या करना है, हैव को रिप्लेस करना है बॉस. हैव को रिप्लेस करिए और यहां पर लगा दीजिए गेट, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा. देयर इज नो चेंज, केवल लिटिल चेंज क्या करना है, इस वर्ब को बदल दीजिए. हेड है तो हेड का हम क्या यूज करेंगे, गेट का गॉट कर देंगे. ही गॉट हिज कार वॉश्ड, उसी कार वॉश हो चुकी है या करवा ली उसने. दे हैव देयर, तो अगेन हैव, तो यहां पर हम प्रेजेंट है तो गेट यूज करेंगे. द गेट देयर होमवर्क डन, शी ऑलवेज हैज, तो यहां पर क्या कर देंगे, गेट्स कर देंगे बॉस, क्योंकि शी है इसलिए गेट्स कर देंगे. शी ऑलवेज गेट्स हर क्लास वर्क डन. आई ऑलवेज हैव, अगेन हैव है तो हम क्या करेंगे, गेट यूज करेंगे. माई क्लॉथ वॉज, जॉन विल हैव, अगेन विल है तो हम क्या करेंगे, यूज गेट करेंगे. ठीक है, जॉन विल गेट हिज टी प्रिपेयर, बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस में रखिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बहुत यूजफुल है आपकी डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस. इनमें से बहुत सारे मैंने बताए जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. सो देर किस बात की, जस्ट स्टार्ट करिए. मेक को लेकर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, मैंने आपको बताया दो हैव एंड गेट, इन दोनों को यूज करके दो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन मेक में दो स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, केवल एक ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और इन दोनों से स्ट्रॉन्गर है मेक, उसका आप यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो अभी बताया है, हमने अभी डिस्कस किया, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आप हैव और गेट का यूज करेंगे, मेक का यूज नहीं करेंगे. दो और वर्ब्स हैं जिनका सिमिलर यूज है, लेकिन वो पॉजिटिव वर्ब्स नहीं है. दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पोकन. सो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल, विद सेंटेंसेस, और ज्यादा सेंटेंसेस के एग्जाम्पल में दूंगा, ताकि आपको ज्यादा इजी हो जाए अपने इंग्लिश सीखना. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे.